प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 8 किसानों की निर्मम हत्या के पीछे किसका हाथ है ये जानने हेतु और पीड़ित परिवारों को सांत्वना के लिए जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धक्का मुक्की करना महिला शक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस हरकत का जोरदार विरोध करती है और घोर निंदा भी करती है। लखीमपुर में हुए इस हादसे से पूरे देश स्तंभ रह गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मात्र और मात्र राजनीति करने का मौका बनाती जा रही है। क्या देश में अपने हक के खातिर धरना प्रदर्शन करना कानूनी उल्लंघन है? क्या देश को तमाम किसान सरकार से 3 काले कानून को हटाने के लिए संवैधानिक ढंग से एकजुट नहीं हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र प्रणाली में ये सब जायज है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद भारत बनाकर करीब 50 वर्ष संभाला और देश की अखंडता सप्रभुता को बरकरार रखा, लेकिन 2014 के उपरांत देश की राष्ट्रीयता को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि झूठे हथकंडे अपनाकर देश के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी भ्रमित नहीं कर सकती है, क्योंकि आम जनमानस कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रखता है। में जो कल कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें 8 किसान जो थे वो अपने मांगों के प्रति सरकार से आग्रह करने एक छोटा सा धरना दे रहे थे, जिसके धरने को बंद करने के लिए या रोकने के लिए या दबाने के लिए जो वहाँ पर गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, उन 8 किसानों की मौत हो गई। जब उनके प्रति सांत्वना देने के लिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहाँ गई तो उनको जबरन रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जो कि शरेआम प्रजातंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। यदि कांग्रेस पार्टी किसी किसान भाई की मदद करने के लिए आगे आए तो उसमें क्या कोई बुरी बात है? मैं ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक कदम उठाया जा रहा है, जिसकी हम बहुत जोरदार तरीके से निंदा करते हैं। और आगामी जो रणनीति है देश के देशव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लेकर लोगों को भ्रमित करना है, जिसके लिए हम कतई भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा जो है उसको सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि यदि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल देश के ऊपर राज किया है तो तब सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे कायम रही? अब ये 7 साल 2014 के बाद की जो इनकी रणनीति है सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोगों को भ्रमित करना और वोट बैंक को कायम करना, ये एक प्रजातंत्र की हत्या है और प्रजातंत्र की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और अब देशव्यापी जो ये मुद्दा लेकर निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, उसका हम कोने कोने में जाकर बूथ स्तर पर विरोध करेंगे, ताकि जनता को इनके जो मंसूबे हैं उनको सफल न होने दिया जाए। धन्यवाद।